हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा है जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल नया है। इस वीडियो के माध्यम से नई चीज़ों के विषय में जानेंगे और देखेंगे भी, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल, प्रश्न या सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों, चलिए आपको आज नई जगह पर लेकर चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस बाटी चोखा रेस्टोरेंट में आ गया हूं, और इस रेस्टोरेंट की जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, पूरी तरह से देसी स्टाइल में बनाया गया है। पूरे इसकी दीवार वगैरह है सभी मिट्टी से तैयार किया गया है दोस्तों। तो मैं आपको यहां पर ले चलता हूं, देखिए कितना ही सुंदर बनाया गया है। बहुत ही इसकी जो बनावट बहुत ही खूबसूरत है और पुराने जमाने जैसे लगता है दोस्तों। चलिए मैं आपको अंदर में ले आया हूँ दोस्तों, और देखिए ये अंदर का जो इसकी जो बनावट है पूरी तरह से अपने आप में नया है और सबसे अलग है। शायद आपको इस तरह की चीज़ें हर जगह नहीं मिलेगी दोस्तों। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. आपका नाम क्या हुआ जी? नमस्कार सर, मेरा नाम सोनम गुप्ता है। अच्छा अच्छा, बाटी चोखा रेस्टोरेंट से। अच्छा अच्छा जी। और ये आपकी बाटी चोखा रेस्टोरेंट कहाँ पे है ये? जी, हमारा बाटी चोखा रेस्टोरेंट डाफी बाईपास टोल प्लाजा NH2 वाराणसी यूपी में है। डबल 2 1 डबल। अच्छा, बाईपास के साउथ या नॉर्थ में है ये? जी साउथ में। साउथ साइड में है ना, नियर बाईपास डाफी टोल प्लाजा के पास। तो आप यहाँ क्या क्या सर्विस देते हैं? सर, हमारे यहाँ मेनू कार्ड है। अच्छा अच्छा, बाटी चोखा के अलावा भी बहुत से चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे आप बेवरेज में देखेंगे तो मीठा है, लस्सी है, सॉफ्ट ड्रिंक है, अच्छा, टी कॉफ़ी भी है। अच्छा, एंड उसके साथ साथ स्नैक्स में। अच्छा अच्छा जी, स्नैक्स में वेज पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, पनीर टिक्की, सारा उल्टा पुल्टा, पापड़, पापड़ चूरी, मसाला पापड़, हरा भरा कबाब, पनीर पापड़ पकौड़ा। अच्छा, एंड बाटी में हमारे यहाँ 3 वेराइटी की बाटी मिलती है। कौन कौन है बताइए जी? एक है प्लेन बाटी, देन सत्तू बाटी, एंड सबसे स्पेशल पनीर बाटी। अच्छा अच्छा जी, एंड चपाती पराठा भी है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, जैसे प्लेन चपाती, घी चपाती, प्लेन पराठा, आलू पराठा, सत्तू पराठा, पनीर पराठा। अच्छा अच्छा, एंड सब्जियाँ भी है हमारे यहाँ पे काफी सारी। जैसे आप जो दाल लेते हैं, यहाँ पे दाल हांडी में बनाई जाती है। दाल हांडी है, आलू जीरा, कढ़ी पकौड़ी, भिंडी कुरकुरे, बनारसी आलू दम, लौकी की सब्जी, नेनुआ सब्जी, निमोना सीजनल, मिक्स वेजिटेबल, पालक पनीर, पनीर बटर मसाला, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, रायता भी है हमारे यहाँ पे, ग्रीन सैलेड, कर्ड, एंड राइस में 2 वेराइटी है, प्लेन राइस एंड जीरा राइस। डेजर्ट में चूरमा, खीर, बखीर, मूंग हलवा, गुलाब जामुन एंड गाजर हलवा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका थाली सिस्टम भी, थाली सिस्टम भी है। जैसे कम्बो ऑफर में सबसे स्पेशल हमारे यहाँ है स्पेशल बाटी चोखा थाली। अच्छा अच्छा, इसमें आपको 2 पीस बाटी मिलती है। अच्छा, जिसमें प्लेन पनीर सत्तू ऑप्शन में है, देन दाल राइस चोखा, घी चटनी, पिकल, चूरमा या खीर आपका ऑप्शन में स्वीट डिश रहेगा जी।
एंड खिचड़ी भी है हमारे यहाँ पे, खिचड़ी कम्बो, खिचड़ी चोखा कर्ड घी पापड़ फ्राइड चिली जी, सत्तू पराठा कम्बो है जिसमें वन पीस पराठा चोखा लच्छा सलाद रहता है, कढ़ी चावल जिसमें कढ़ी राइस कलौजी फ्राइड चिली है। अच्छा, ये सारी चीज आपके यहाँ जी। अच्छी बताइए, आपके यहाँ ऑनलाइन सर्विस वगैरह भी अवेलेबल है? जी हाँ सर, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, स्विगी एंड जोमेटो दोनों से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, आपके रेस्टोरेंट के खुलने के टाइमिंग वगैरह कुछ? जी हमारे रेस्टोरेंट के खुलने के टाइमिंग है सुबह 11 बजे से शाम को 9:30 बजे तक में है। अच्छा अच्छा जी। और किसी किसी दिन बंद भी रहता है? नो सर, हफ्ते के 7 दिन हमारे यहाँ रेस्टोरेंट ओपन है आपकी सेवा के लिए। अच्छा, और इस रेस्टोरेंट में बाटी चौखा रेस्टोरेंट में जो बाईपास के पास है, यहाँ एंट्री करने के लिए टर्म एंड कंडीशन? जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे यहाँ का, बिकॉज यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपके साथ में एक लेडीज होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण है हमारे यहाँ, महिलाओं को बेटियों को समर्पित किया गया है ये रेस्टोरेंट, इसलिए यहाँ बिना महिला के जो भी लोग आते हैं उनकी एंट्री नहीं होती है। अच्छा। आपके साथ में एक महिला होनी चाहिए। अच्छा अच्छा जी। अगर वो आ गया, उनको यहाँ खाने का मन हो, तो क्या उसके लिए क्या स्पेशल अलग से कोई सुविधा वगैरह? जी हाँ, उसके लिए आप पैकिंग ले सकते हैं, आपको अच्छा। हम खाना पार्सल करके दे देंगे। अच्छा, बट यहाँ पे खाने के लिए आपके साथ में एक बेटी या एक महिला होनी ही चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ कैसे थाली वगैरह देते हैं या प्लेट कैसे लगा देते हैं? जी हाँ सर, हमारे यहाँ स्पेशल थाली है, हम आपको जरूर वो थाली भी दिखा रहे हैं। अच्छा। वो थाली में क्या क्या होता है। अच्छा। किस तरीके से आप उसको खा सकते हैं, हम आपको कैसे सर्विस देते हैं, जरूर हम उसको आपको दिखाएंगे। एक थाली में जितनी सारी आपके यहाँ जो सर्विस है इंक्लूड करते हैं? जी सर। गुप्ता जी, ये बताइए, आपके यहाँ तो पूरा जो स्ट्रक्चर वगैरह है देसी स्टाइल में है और होना भी चाहिए, बहुत ही पर्यावरण से संबंधित है और यहाँ सारी सुविधा है। तो आप जो यहाँ जो बाटी चोखा जो भी खाने की सामग्री में जो यूज करते हैं सामान, वो आप खुद तैयार करते हैं या बाहर से मंगाते हैं? आप भी नहीं सर, हमारे यहाँ जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे आप जो बाटी खाते हैं सत्तू बाटी, वो हमारे यहाँ सत्तू खुद ढेकी में पीसा जाता है। अच्छा अच्छा हाँ, खुद जो पुराने जमाने में तैयार हुआ था वो चीज़ें आप धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि मॉडर्न जमाना आ रहा है, लोग इस ढंग से मेहनत भी करना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, हमारी जो पुरानी परंपरा है उसको हम फिर से दोहराना चाह रहे हैं। अच्छा, जो भी बाटी आटा सत्तू जो चीज़ भी आप यूज करते हैं उसका यही खुद तैयार करते हैं? खुद तैयार करते हैं। अच्छा, उसको आप दिखाना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल दिखाना। मिर्चा खुद का तैयार किया जाता है। अच्छा, यहाँ सारी चीज आप खुद तैयार करते हैं? जी हाँ, मिर्चा पीसा जा रहा है। अच्छा अच्छा जी। अब क्या क्या तैयार करते हैं? जी यहाँ पे हल्दी पीसा जाता है, ढेकी है। अच्छा अच्छा, सत्तू भी तैयार करते हैं? सत्तू भी तैयार किया जाता है। अच्छा अच्छा, और बोलिए क्या जी, और आगे आइए, आपको और भी चीजें दिखाते हैं। जाता है जाता अच्छा, यहाँ पे सत्तू पीसा चलाया जाता है? जी हाँ, इसमें सत्तू पीसा जाता है। अच्छा अच्छा जी। तो देसी स्टाइल में सारी चीज आपके यहाँ तैयार होता है? जी 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 बिल्कुल। खटिया रखा हुआ है जी, मैं ढेकी में हल्दी डाल के उसके बाद इस तरह से हमारे यहाँ मसाला पूरा तैयार किया जाता है। हल्दी पिसाई जा रही है। अच्छा अच्छा, हल्दी कूटा जा रहा है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा सुनम जी, बताइए, आपके यहाँ अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर किसी पार्टी वगैरह बर्थडे है, कोई सरप्राइज पार्टी है, वो अगर बुक करवाना चाहे तो क्या यहाँ पर बुकिंग की सुविधा है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ बुकिंग की सुविधा है। अच्छा, आप यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। हाँ। और उसके लिए आप रिसेप्शन में काउंटर में आकर संपर्क कर सकते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है वो आपको वहाँ पर बता दी जाएगी। अच्छा अच्छा, और यहाँ थाली में क्या क्या इंक्लूड रहता है आपके यहाँ? जी थाली हमारे यहाँ पे, उसमें आपको हर एक चीज़ मिलता है, यानी कि उसमें बाटी भी रहेगा आपका। हाँ। चोखा दाल। हाँ। राइस फ्राइड चिली टोमेटो चटनी ग्रीन अच्छा, चटनी अच्छा। जी अच्छा, थाली के कोई आपके यहाँ कोई प्रकार भी है? कितनी तरह के थाली लगाते हैं आप? जी हाँ, अगर बाटी चोखा थाली आप ले रहे हैं तो आपको उसमें दो थाली मिलती है। अच्छा, एक स्पेशल बाटी चोखा थाली है और एक बाटी चोखा थाली है। अच्छा अच्छा जी। चलिए एक मेरे लिए स्पेशल थाली लगाइए। जी सर बिल्कुल। यहाँ जी हाँ, आइए फिर बैठिए, आपको हम स्पेशल थाली लगवाते हैं।
दोस्तों देसी स्टाइल में गांव घर की भोज की तरह मेरे सामने पत्तल लग गया है और देखिए मेरी थाली भी आ रही है जो स्पेशल थाली है इस रेस्टोरेंट की बाटी चोखा की। तो दोस्तों आनंद लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाटी चोखा बहुत ही टेस्टी है, स्वादिष्ट है जी। थैंक यू। आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन भी यहाँ चीज़ें मिलती है? जी नहीं सर, हमारा जो रेस्टोरेंट है वो प्योर वेज है। अच्छा, और बहुत सारा आइटम है स्पेशल थाली में जी, कुछ बताइए क्या सब है इसमें? जी ये बाटी चोखा आप ले रहे हैं, साथ में ये दाल है जो कि हांडी में बनाई गई है। अच्छा। ये राइस है। अच्छा जी, बासमती राइस है ये? जी बासमती राइस है। अच्छा। और चटनियों में हमारे यहाँ ये टोमेटो चटनी है। अच्छा अच्छा जी, ये ग्रीन चटनी है जो कि सिल में सिलबट्टे में पीसी जाती है। अच्छा अच्छा। ये फ्राइड चटनी में क्या क्या इंक्लूड किया है? जी सर, इसमें धनिया है, लहसुन है, प्याज है, टोमेटो है, अदरक है, इन सभी का मिक्सचर है। अच्छा अच्छा जी। और उसके साथ साथ ये फ्राइड चिली है। अच्छा। देन प्याज जो आपके खाने का टेस्ट बढ़ाता है। खीर है ना? जी ये खीर है, खीर है। अच्छा अच्छा। किस चीज़, चावल क्या है या? जी इसमें राइस, हाँ राइस है, ड्राई फ्रूट्स हैं। अच्छा अच्छा जी। और उसके साथ साथ ये चूरमा है। चूरमा है जी। इसमें क्या क्या इंक्लूड है चूरमा में? जी ये प्लेन बाटी का है, इसमें प्लेन बाटी है। अच्छा। देन घी है, ड्राई फ्रूट्स है। अच्छा। गुड़ है, इन सभी का मिक्सचर है। अच्छा अच्छा जी। और ये चोखा में आप क्या क्या इंक्लूड करती हैं? जी चोखा में रोस्टेड आलू। अच्छा। बैंगन, टोमेटो, मैंने आग में पकाया जाता है। जी हाँ, पकाया जाता है जी, रोस्टेड रहता है। अच्छा, अच्छा। उन सभी का मिक्सचर में बनाया जाता है हमारे यहाँ चोखा, इसमें लहसुन और प्याज नहीं इंक्लूड किया जाता है। वाकई में आपकी जो बाटी चोखा है बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा टेस्टी है। जी जी थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है जी। अगर दोस्तों अगर आप बाटी चोखा का स्वाद चखना चाहते हैं तो आप डाफी बाईपास टोल प्लाजा के पास आइए और इस बाटी चोखा का आनंद लीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो आप आपने जो लिट्टी बनाई है, आपने आपके यहाँ जो लिट्टी बनी है जी, इसमें सत्तू के अलावा कुछ और दिख रहा है, क्या है ये? जी ये पनीर है। अच्छा, पनीर बाटी हाँ, है लिट्टी है ये? जी ये पनीर बाटी है। इसमें पनीर का मसाला स्टफिंग किया जाता है। अच्छा अच्छा। सत्तू वाली भी लिट्टी बनती है ना आपके पास? जी हाँ, ये है हमारे यहाँ सत्तू की बाटी। अच्छा, जो कि कंडे की आग में सेकी जाती है। अच्छा अच्छा, इसमें सत्तू भरा हुआ है जी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके यहाँ दो वैरायटी है लिट्टी की, एक सत्तू भरा हुआ और एक पनीर का स्टफिंग किया हुआ भरा हुआ, देख सकते हैं। इसमें प्याज है और जो सारी सामग्री इसमें डाली जाती है इसमें है। तो दोस्तों तो देख सकते हैं आप कि पनीर की भी लिट्टी बनती है, एक नई बात है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस बाटी चोखा रेस्टोरेंट जो डाफी वाराणसी टोल प्लाजा के पास, आप जरूर आइए। तो दोस्तों वाकई में यहाँ की जो बाटी चोखा खाकर मन खुश हो गया और बहुत ही अच्छा स्वाद है, और ये खीर की भी जो स्वाद सबसे हटकर है, अलग है, बहुत ही टेस्टी है। अब खाने के बाद आप सौंफ और मिश्री भी ले सकते हैं और देसी गुड़ भी यहाँ रखा रहता है काउंटर पे। तो दोस्तों जैसी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं और खाकर वाकई में खुश मन हो गया। जैसा इसका नाम सुना था वैसा इसका स्वाद भी है। दोस्तों तो आप भी जरूर आइए और यहाँ का स्वाद चखिए। और यहाँ पर कुछ लोग आए तो मैं उनसे बात करता हूँ कि इनका यहाँ का स्वाद उनको कैसा लगा। दोस्तों बोलिए क्या नाम है? अच्छा अच्छा, यहाँ क्या बाटी चोखा खाने आए हैं? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा है ना? अच्छा अच्छा, चलिए इंजॉय कीजिए। हेलो, मैं डॉक्टर
डॉक्टर आर के गुप्ता। अच्छा अच्छा, इलाहाबाद में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ बनारस में आप रहते हैं? नहीं, इलाहाबाद में रहता हूँ, मैं घर में मम्मी पापा रहते हैं। अच्छा, फैमिली के साथ आए हैं, तो कैसा लगता है बाटी चोखा का जो? बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, अपने पुराने जमाने की याद आ जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ, पूरे गांव की याद आ जाती है। घर पे बैठ के खाना, हाँ, स्टाइल। यहाँ का जो स्ट्रक्चर वगैरह है ये बहुत देसी स्टाइल में पूरे ढंग से सजाया गया है। बहुत अच्छे स्टाइल से बना है और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो भी सामान जो यूज होता है खाने में, तो सारी चीज़ें यहाँ खुद तैयार किया जाता है। देसी स्टाइल में जो पुराने जमाने में ढेकी वगैरह और चक्की वगैरह से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में लोगों ने बताया यहाँ का स्वाद और तौर तरीका पुराने जमाने की याद दिलाता है दोस्तों। तो आप भी आइए, आज जरूर आनंद लीजिए। मैं और लोगों से बात करता हूँ। हेलो, आपका नाम क्या हुआ? आलोक खन्ना। अच्छा अच्छा, आलोक खन्ना जी, बताइए कैसा लगा यहाँ आकर? घर जैसा एकदम, और बहुत ही टेस्टी है। अच्छा अच्छा, और इसकी जो का स्वाद है, हाँ, तो बहुत ही बढ़िया, सबसे अलग है वो, देसी स्टाइल में है यार, एकदम देसी स्टाइल, और पुराने दिनों की याद दिला दिया। हाँ हाँ, ये तो है, ये गाँव, हाँ हाँ, पुराने दिनों की याद। अपना नाम बताया, आपका क्या है? मेरा नाम अथर्व खन्ना। अच्छा अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम कॉलेज में हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ बाटी चोखा का कैसा आनंद लगा टेस्ट का? बहुत अच्छा था, हम लोग काफ़ी बार इसकी दूसरी ब्रांचेस में गए, यहाँ पहली बार आए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप भी आते हैं बनारस तो ज़रूर ये चोखा का आनंद लीजिए, और ये बहुत ही देसी स्टाइल में बनाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फैमिली के साथ ही आप आ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो समय पर मिलता रहेगा। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।